वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंड वीडियो धनबाद। तो जैसे कि आप आया हूँ बजाज शोरूम में, संजय बजाज में, तो लखन भैया मिल गए। और लखन भैया, आप बाइक का पूरा फीचर जो है NS125 का पूरा फीचर बताएंगे क्या है। तो आइए वीडियो में बने रहें, आज देखते हैं पूरा फीचर। बताना चाहूँगा आपको NS125 बहुत जोर मार्केट में अभी नाम है। इसका सबसे बड़ा खासियत आज का डेट में V6 इंजन आया हुआ है, सभी जानते होंगे। और एवरेज के मामले में कहना नहीं होगा, क्योंकि तो सबसे बड़ी चीज़ आज के डेट में तेल बचाना। तो ये NS125 60 किलोमीटर प्रति किलोमीटर एवरेज इसमें दिया हुआ है, गारंटी के साथ 60 किलोमीटर चलेगा 1 लीटर पेट्रोल में। और सबसे बड़ा खासियत इस गाड़ी में आपको देखने को मिलेगा, खास इसमें बीच में जो सस्पेंसल दिया गया है, बीच में जो इसका सस्पेंसल है, दोनों सोकर सस्पेंसल, सोकर नहीं देखे सस्पेंसल देखे, ये आपको आपको कितना लंबा भी जर्नी कर जाइए, मैं आपको चैलेंज करूंगा कि आपका कमर कभी नहीं दुखेगा। ये सबसे बड़ा खासियत इस गाड़ी में दिया गया है NS125 में, आपको बीच में जो सस्पेंसल दिया गया है, ये आपको कमर कभी नहीं दुखेगा, ये सबसे बड़ा खासियत, कितनों भी लंबा जर्नी कर जाइएगा। और भी बहुत सारे आप लोगों ने देखा अभी गाड़ी का फीचर्स कुछ हम बता रहे थे, मैं चाहूँगा एक बार शोरूम विजिट करेंगे और आपको अदर्स शोरूम से मैं आपको डिस्काउंट करके कुछ किफ़ायती रेट में देने का प्रयास करूँगा। बस आप एक बार मेरा शोरूम में विजिट करेंगे, मेरा शोरूम कलाली फाटक कतरास में है। आप कतरास में कहीं भी पूछेंगे कलाली फाटक कहाँ पर है, तो आपको पता चल जाएगा। आप आके एक बार विजिट करेंगे और आप सस्ते बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको गाड़ी भी देंगे, और अगर कैश लेंगे तो उसमें कुछ हम डिस्काउंट भी करेंगे आपको। आप आइए एक बार विजिट करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद लखन भैया। जैसा कि आप लोगों ने लखन भैया ने सुना कि इसमें फाइनेंस की भी सुविधा है, आपको जैसे भी है आप अपना डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक पासबुक और फोटो, बस फोटो, चेक नहीं? ना, चेक नहीं। और आप आइए और कोई भी एक बजाज का बाइक, 100 है 125 है 150 है, हाँ, तो ले सकते हैं। और काफ़ी बजाज का बाइक बहुत ही मजबूत होता है, मैंने भी पल्सर यहाँ से लिया था, जब ये शोरूम 2007 में जब ओपनिंग हुआ था तो पहला पल्सर मैंने ही लिया था 2007 24 अगस्त, और करीब 7 साल वो बाइक मैंने चलाया, बहुत ही अच्छा रहा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई, और धन्यवाद लखन भैया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।